नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नया और आपकी समस्याओं के समाधान। आज जानेंगे अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य, आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अंकों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। ये अंक आपकी स्थिति बिगाड़ सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं। तो आज हम मूलांक के अनुसार आपका भविष्य जानेंगे, साथ ही जानेंगे कैसे आप दूसरों की पर्सनालिटी जान सकते हैं। और इसलिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंक ज्योतिषी कैलाश प्रज्ञ सुथार जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्णा और सभी दर्शकों का स्वागत है। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो अभी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं मूलांक के अनुसार आपका भविष्य। सभी का दिन शुभ रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। मूलांक के अनुसार शुरुआत करते हैं मूलांक एक की। मूलांक एक के अनुसार अगर आज के दिन की शुरुआत करें तो एक कांक सूर्य का रहता है। मन की बात मन में ही रखें, किसी को उधार पैसा न दे और पिता से आपका विवाद हो सकता है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्तों को थोड़ा सोच समझ कर ही आप काम करें। और शुभ रंग जो है वो आज आपके लिए हरा रहेगा। हरे रंग का जितना उपयोग करें आपके लिए उतना ही लाभदायक रहेगा। मूलांक दो चंद्रमा का अंक है। दोस्तों, किसी पर विश्वास नुकसान करवा सकता है। अति विश्वास भी नुकसान, विश्वास भी नुकसान, तो सोच समझ के और संयमित काम करें। दान करना, भगवान के लिए कुछ न कुछ करना, धार्मिक काम में हिस्सा लेना आपके लिए शुभ रहेगा। और कहीं ना कहीं लालच न करें, जितना मिल रहा है उतने में संतुष्टि रहे। और शुभ रंग जो है पीला रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ है। इसके बाद बात करते हैं मूलांक तीन की। गुरु का अंक है, सर्वश्रेष्ठ अंक तीन माना जाता है। वाहन धीरे चलाएं और गुस्सा ना करें। बहुत अच्छा अंक होते हुए भी आपको आज असुविधा में डाल सकता है, कहीं ना कहीं मुसीबत में भी डाल सकता है। रिश्तों की मर्यादा को समझकर ही निर्णय ले, कहीं ना कहीं आप भावुक होकर अगर किसी को कुछ कह देंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। और दोस्तों, शुभ रंग जो आपके लिए है लाल रंग अति शुभ है। कैलाश जी, बेसिकली आज हम पर्सनालिटी पर चर्चा करने वाले हैं कि संगत जो होती है उनमें जो लोग होते हैं हमारे साथ उनकी पर्सनालिटी का हमारे पे काफी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले जैसलमेर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, तमन्ना है, जो कि अपनी मम्मी रेखा के लिए जानना चाहती है। रेखा जी की जन्म की तारीख है 4/7/1979। तमन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मुझे अपनी मम्मी के बारे में पूछना है। उनका जन्म मतलब 3 तारीख को रात को 3:10 को हुआ है जी। 3 जुलाई 1979 जी। तो मेरे को पूछना था कि वो बहुत परेशान रहती है और सबसे मतलब पूछती रहती है और उनको बहुत ऐसे परेशानी वगैरह रहती है। और तमन्ना जी, आपकी मम्मी की जन्म तारीख है, चूंकि 12 बजे के बाद उनका अगर जन्म हुआ है 3 बज के जैसा आपने बताया, तो कहीं ना कहीं कैलेंडर वर्ष में 4 तारीख जुलाई 4 हो गई। तो हम 4 को अगर कैलकुलेट करें तो 4 का अंक राहु का रहता है। कहीं ना कहीं इनका गुरु जो इतना डिस्टर्ब है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को सही ढंग से समझ नहीं पा रही। ये जो अपने काम करती उन्हें इनका क्रेडिट भी चाहिए, वो समय पर इनको मिल नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से थोड़ा सा असंतुलित है। पितरों की उन पर बहुत ज़्यादा पितृदोष बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं पितरों की पूजा करना, अमावस्या को कुछ न कुछ दान करना इनके लिए लाभदायक रहेगा। आप अपने मम्मी को लक्ष्मीनाथ के मंदिर, विष्णु के मंदिर जरूर दर्शन करवाइए, आपको बड़ा लाभ होगा। बेसिकली कैलाश जी, आज हम पर्सनैलिटी पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा किसी भी व्यक्ति को अंक ज्योतिष के अनुसार कैसी संगत रखनी चाहिए, वो जानना चाहूँगा मैं आपसे। अर्पित जी, अगर मूलांक के अनुसार हम बात करें, मूलांक के अनुसार अगर बातचीत की जाए तो आज के ज़माने में पर्सनालिटी, आप कुछ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे पहले ही आपका असर पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पे। आप कैसे खड़े, आप कैसे दिख रहे हैं। तो मूलांक अगर एक के दृष्टिकोण में बात की जाए तो मूलांक एक जो रहता है सूर्य का अंक है, तो कहीं ना कहीं ये तेज़ रोशनी वाला चमकदार वाला ग्रह है। तो मूलांक एक वालों को कहीं ना कहीं अपने दोस्ती में, अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास के क्षेत्र में हमेशा खुले दिमाग वाले लोगों को रखना चाहिए। विद्वान लोगों के साथ उनको अपनी संगति रखनी चाहिए। आप अपने कार्य क्षेत्र से
हटकर किसी व्यक्ति से दोस्ती करते हैं, किसी से मेल मिलाप रखते हैं, तो वो आपके लिए हमेशा नुकसानदायक रहेगा। और कहीं ना कहीं मूलांक एक वालों को पारिवारिक सहयोग थोड़ा सा कम ही मिलता है, तो मूलांक एक वाले इस चीज़ का ज़रूर गौर फरमाइएगा। परिवार के अंदर आप उतना ही बोलिए जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना कहीं ना कहीं आपको ऐसी मुसीबत में डाल देगा जो आपकी समझ से परे रहेगा। और कहीं ना कहीं मूलांक एक वालों को हमेशा अपना शरीर का जो वज़न है 60 किलो से ऊपर रखना चाहिए मेल्स को, और फीमेल जो रहती है उनको कहीं ना कहीं 50 से ऊपर रखना चाहिए। अगर फीमेल का वज़न 50 से कम है और मेल का 60 से कम है, तो उनके कैलकुलेशन में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक का अंक सूर्य नेगेटिविटी दिखाता है, तो अच्छे अंकों में जन्म होने के बावजूद भी वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाते। कैलाश जी, अगर ऐसे ही मूलांक दो की बात करें, उनकी पर्सनालिटी की बात करें, उन्हें किन लोगों के साथ रहना ज्यादा सहज होगा, तो वो जानना चाहिए। मूलांक दो के लिए बात करें, चंद्रमा का अंक है, ये लोग अपने सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा शार्पनेस रहते हैं, तो मूलांक दो वालों को अपनी शिक्षा के अंदर, अपनी जॉब के अंदर या अपने जो भी कार्य क्षेत्र उसी में तल्लीन होकर काम करना चाहिए। ज़्यादा घर से बाहर घूमना, उठक बैठक रखना, कहीं ना कहीं यारी दोस्ती में, पार्टी वगैरह में, इवेंट में ज़्यादा घूमना, अति हर चीज़ की बुरी होती है, लेकिन मूलांक दो वालों के लिए कहूँगा ज़्यादा घूमना फिरना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। जितना आप अपने कार्य क्षेत्र पे समय व्यतीत करते हैं, जितना आप घर पे समय व्यतीत करते हैं, उतना आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। और एक चीज़ मूलांक दो वालों के लिए कहूँगा, हमेशा किसी भी व्यापारिक कार्य को साझेदारी के अंदर ही कीजिएगा। आपने बिना साझेदारी अगर कोई कार्य शुरुआत की तो आपका सदैव असफल रहेगा। और मूलांक दो वालों के लिए एक चीज़ और, आप यारी दोस्ती में जान भी कुर्बान करते हैं, लेकिन हर जान यारी दोस्ती के लिए देने के लिए भी नहीं होती। कहीं ना कहीं पानी से आपको बहुत खतरा है, पार्टी वगैरह में जाइए, घूमिए, आनंद लीजिए, लेकिन पानी से थोड़ा सा बच के रहिएगा। और एक चीज़, 5 के अंक वालों से ज़रूर बच के रहिएगा, जिनका जन्म 5, 14 और 23 इन अंकों में हुआ है, वो मूलांक दो वालों को सदैव नुकसान पहुँचाएंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर विशेष रूप से कहना चाहूँगा दर्शकों, अंकों की जो गणना रहती है वो कभी खून के रिश्तों में लागू नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि 2 के अंक वालों को 5 के अंक वालों से बचना चाहिए, और अगर आपकी मम्मी का नंबर ही 20 है और आपको उनसे खतरा महसूस हो, तो ये थोड़ा सा गलत रहेगा। खून के रिश्तों में अंकों की गणना थोड़ी सी कम लागू रहती है। सावधानी रखिए, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और ऐसे ही अगर कैलाश जी बात करें मूलांक 3 की, तो वो जानना चाहेंगे आपसे। मूलांक 3, अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक मूलांक 3 कहा जाता है, लेकिन ऐसे लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी ये रहती है, ये भावुक बहुत होते हैं। भावनाओं में बह के तो ये अपना ताजमहल भी किसी के लिए कुर्बान कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत के समय हो सकता है ये अपने हाथ खींच ले। तो 3 के अंक वालों को हमेशा अपना वज़न भी हैवी रखना चाहिए, शरीर का वज़न, जितना इनका वज़न ज़्यादा रहता है इनमें कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज़्यादा रहता है। और कहीं ना कहीं मूलांक 3 वाले मूलांक 8 वालों से और 6 वालों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। आप 8, 17 और 26, 6, 15 और 24 इन डेट्स को किसी के साथ भी बड़ी मीटिंग्स या ऑफिशियल कुछ काम न करें। और 3 वालों के लिए एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा अर्पित जी, ये लोग जी उधार बहुत जल्दी दे देते हैं और इनको कभी इनका पैसा वापस नहीं मिलता। तो आप अपनी यारी दोस्ती में, संगत में, रिश्तेदारों में लेन देन बहुत सोच समझ के कीजिएगा मित्रों, वरना आपको जीवन भर नुकसान होते रहेगा। आपको जीवन के अंत समय एक मलाल रहेगा कि हमने जिनको चाहा उन्होंने तो हमको गैर समझा। जी कैलाश जी, अभी तक हमने 1 से लेकर 3 मूलांक वालों की पर्सनालिटी के बारे में तो बात कर ली, आगे भी जो जितने मूलांक बचे हैं उनकी भी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, ममता जी हैं श्री गंगानगर से, जो कि अपनी बहन राजरानी के लिए जानना चाहती है। राजरानी जी की जन्म की तारीख है 23/10/1993। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं अपनी बहन राजरानी के बारे में पूछना है, उसका भविष्य कैसा रहेगा और उसे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए क्या, मतलब कौन सी तारीख है कंपटीशन वगैरह। जन्म तारीख 23 अक्टूबर 1993। 23, 2 और 3 5 का अंक है, कहीं ना कहीं बुध का अंक है, व्यापार का, वाणिज्य का, कॉमर्स का, इन अंकों का ये आपकी बिटिया की कुंडली बनती है, तो कहीं ना कहीं आप इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर तैयारी करवाइए। सरकारी नौकरी के योग बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं आप इनको प्राइवेट प्रैक्टिस या
LDC, UDC जो छोटे पद वाले हैं उनमें तो सफलता मिल सकती है, लेकिन आप हाई प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं तो सफलता की संभावनाएं कम है। और कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध का गणेश का नंबर है, तो गणेश पूजा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप इनको कॉमर्स से जुड़ी हुई शिक्षा में डालिए, ज़्यादा सफलता मिलेगी। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो आगे के जो मूलांक हैं जैसे कि 4 और 5, उन्हें किस तरह की पर्सनालिटी वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, उन्हें किस तरह की पर्सनालिटी वाले लोगों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहूँगा। मूलांक 4 जी, राहु का अंक है और कहीं ना कहीं 1 से लेकर 9 के अंकों के बीच ये 4 का अंक जो रहता है पितरों का अंक माना जाता है जी। तो कहीं ना कहीं इस अंक वालों को हर भगवान हर इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन 4 के अंक वालों के लिए विशेष रूप से कहूँगा आप अपने पितरों की पूजा कीजिए। जो पूर्वज आपके दादा परदादा या जो भी पूर्वज आपके दुनिया में नहीं रहे, उनका अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अगर अपने पास रखते हैं, उनके बरसी के ऊपर या श्राद्ध पक्ष में उनके लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हैं तो वो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। 4 के अंक वालों के लिए एक चीज़ विशेष रूप से कहूँगा, आप समय की थोड़ा गंभीरता को समझिए। अगर आज आपने समय की कदर नहीं की तो आने वाले समय में समय आपकी कदर नहीं करेगा। आपके पास जो भी है जैसा भी है उसका भी सम्मान कीजिए। कहीं ना कहीं आप भावनाओं में बहकर लोगों का अपमान भी कर देते हैं तो वो आपको भविष्य में नुकसानदायक रहेगा। पद का दुरुपयोग भी आप न करें। 4 के अंक वालों के लिए विशेष रूप से यही सलाह है कि आपके पास जो जैसा है उसका सदुपयोग करें। आपने उसको अननेसेसरी का खराब किया तो फिर भगवान ही आपका मालिक है। और कहीं ना कहीं 4 के अंक वालों मित्रों, एक चीज़ ज़रूर सलाह के तौर पे कहूँगा, 8, 17 और 26 इन जन्म तारीख वाली लड़कियों से बच के रहें। इनसे विवाह हो तो टालने की कोशिश करें, क्योंकि 4 के अंक वाले व्यक्ति की अगर 8 के अंक की लड़की से अगर शादी होती है तो बहुत ही विष योग बनता है जो आपके लिए भरपूर नुकसानदायक रहेगा। और कहीं ना कहीं आपको पेट से संबंधित भी नुकसान हो सकता है, इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक चीज़ गौर से सुनिएगा जो भी हमारे दर्शक 4 के अंक वाले हैं, अल्कोहलिक होना आपके लिए भयंकर नुकसानदायक रहा। जीवन में जब भी आपने अल्कोहल का सेवन किया आपको ऐसी मुसीबत या ऐसी विडंबना का सामना करना पड़ेगा जिसकी कभी कीमत नहीं लगाई जा सकती, जिसका आप कभी मोल नहीं चुका पाएंगे। कैलाश जी, अभी के लेकर और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, बीकानेर से जसोदा जी हैं जो कि अपनी पुत्री सपना के लिए जानना चाहती हैं। सपना की जन्म की तारीख है 24/10/1993। जसोदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जसोदा जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे लड़की के शादी के बारे में जानना है पंडित जी। प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। हाँ बताइए तो। 24 तारीख आपकी बिटिया की जन्म तारीख, 2 और 4 6 का अंक है। कैलेंडर वर्ष 2016 जो चल रहा है कहीं ना कहीं वो सगाई होने के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 19 अगस्त 2016 से लेके 11 नवंबर 2016 के बीच आपके बिटिया की सगाई हो जाएगी और उसके बाद आप अच्छा मुहूर्त देखे उनकी शादी कर सकते हैं, ऐसी हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 4, 5 और 6 वाले जितने भी जातक हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है आज। मूलांक 4 राहु का अंक, गरीबों का सम्मान करें, समाज सेवा के काम में रुचि बढ़ाएं, समाज को योगदान दें और नया काम भी आज आपका बन जाएगा तो बड़े से बड़ी चीज़ों को अच्छे से शुरुआत करें। शुभ रंग जो है नीला रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ रहेगा। और मूलांक 5 मीडिया और फिल्म जगत के जो लोग हैं उनको अपने कारोबार में या व्यवसाय में बहुत लाभ रहेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, पत्नी से प्यार भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपका पारिवारिक प्रेम बना रहेगा। शुभ रंग जो है सफ़ेद रंग आज आपके लिए बहुत शुभ है। मूलांक 6 के बात करें, शुक्र का अंक है, घर के लोग आज परेशान रह सकते हैं और सोना खरीदने से बचिएगा। सोना खरीदने पे आपको आज हानि हो सकती है, आज आपने खरीदा थोड़े दिनों बाद भाव कम हो जाएंगे और थोड़ा सोच समझ कर ही बोलें, अपशब्द न बोलें किसी को। और शुभ रंग जो है गुलाबी रंग आज आपके लिए बहुत शुभ है। चलिए दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका ही मत जाएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में।